बहुत सफाई दे, लेकिन साहब सिंह नहीं मानते और उसको दुहाग दे के चले जाते हैं और फांसी का दिन मुकर्रर कर दिया जाता है। और उधर से शेर खान कहता है कि महाराज मैं शरत जीता हूं, इसलिए इस खुशी में नाचना गाना होना चाहिए। कि ठीक है भाई, अब नाचने गाने वालियों को बुलाया जाता है और वो जब जनाया और वो बांस बल्ली उठा के नाचने गाने वाली महल के नीचे गुजरी तो सोमवती नीचे आती है और कहती है, बहन कौन हो तुम, कहाँ जाती हो? के बेबे हमारे नाचने गाने का काम है, कहाँ जाती हो? कि आज साले बादशाह के दरबार में एक साहब सिंह नाम का राजपूत फांसी तोड़ा जाएगा। कहा कि उसने अपनी पत्नी के पतिव्रत धर्म का घमंड मान के और शेर खान के साथ शर्त लगा ली और वो शेर खान उसकी पत्नी का धर्म भ्रष्ट करने में कामयाब हुआ और वो शरत हार गया, वो फांसी टूटेगा। तो एकदम अचानक ध्यान आया कि तेरे पति भी किसी शेर खान का जिक्र कर रहे थे, तो सोमवती नाचने गाने वालियों के साथ मिलकर और दरबार में पेश हो जाती है। दरबार सज जाता है, एक तरफ फांसी के तख्ते पर अद्भुत साहब सिंह, एक तरफ सिंहासन के ऊपर शाहजहां सब विराजमान हो जाते हैं और एक तरफ मुंडा घाल कर शेर खान बैठ जाता है और वो पटका और कटार पास में रखे हुए और आदेश दिया जाता है, नर्तक अपना नाचना गाना दिखाओ। तो किस तरह से वो नाचने गाने वाली अपना प्रोग्राम दिखाती है, वो सोमवती नाचने गाने वाले के साथ मिलकर कैसे क्या बताया बना। Yeah.
ही रस के जिसके जिसके पलम के अपने गुरु